नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। चाहे ट्रैवल करना हो आपकी हॉबी या फिर वो पैशन, अगर आपको घूमना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंडिया टुडे के टूरिज्म अवार्ड्स 2019 का ऐलान हो गया है। हमको मालूम चल गया है कि देश में घूमने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे मलाई जगहें कौन सी हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप देश भर की उन लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में जान जाएंगे जो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं। ऐसी जगहें जहाँ आपको एक बार तो ज़रूर ही होकर आना चाहिए। कौन सी है वो सारी जगहें, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो पहली है चादर ट्रैक। एडवेंचर कैटेगरी में बेस्ट एंड बेस्ट ट्रैक का नाम है चादर। चादर का मतलब है बर्फ की चादर जो पहाड़ों के बीच दूर दूर तक आपके पैरों के नीचे बिछी हुई है। दरअसल ये चादर जांस्कर नदी से जमकर बनी है। यहाँ 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का तापमान होता है। चिल्ड हवाओं के बीच जद्दोजहद करते करते आप ट्रैक करते हैं। अगर दम भरपूर है और ये ट्रैक पूरा करने का कलेजा रखते हैं तो आपको 105 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। दूसरा है पालोलेम गोवा। अवार्ड बेस्ट एंड बेस्ट बीच बोले तो समंदर का किनारा। गोवा के साउथ में है पालोलेम बीच। ये जो पालोलेम बीच है वो अपनी खूबसूरती और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता है। समझिए कि ये गोवा का सबसे फेमस समुद्र तट है। सफ़ेद रेत बिखरी है, झूमते हुए ताड़ के पेड़ खड़े हैं। सीजन टाइम में तो ये और खुशगवार हो जाता है। यहाँ बांस की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें आपको लोकल खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी और भी काफ़ी कुछ मिलेगा खरीदने को। योग और अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें भी मिलेंगी। ये जगह कपल्स और सिंगल्स दोनों के लिए मस्त है। तीसरी जगह है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, जोधपुर राजस्थान। अवार्ड हेरिटेज वाली जगहों में बेस्ट एंड बेस्ट। राजस्थान में ढेर सारे किले हैं, खूब सारे महल हैं। यहाँ जोधपुर में एक किला है मेहरानगढ़। ये भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसी के अंदर है अपना ये वाला डेस्टिनेशन। ये बना है ज्वालामुखी, वॉल्केनिक चट्टानों और रेतीले पत्थरों से मिलकर। समझिए कि करीब 70 हेक्टर के इलाके में फैला हुआ है। दशकों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था इसलिए ये सुनसान पड़ा था। फिर इस पार्क का काम 2006 में शुरू हुआ। आम जनता को इसमें एंट्री मिली 2011 में। चौथा डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। अवार्ड पहाड़ों वाली लोकेशन में बेस्ट एंड बेस्ट। CNN ने एशिया के 7वें सबसे अच्छे स्कीइंग वाले लोकेशन के रूप में गुलमर्ग को चुना था। हजारों टूरिस्ट यहाँ स्कीइंग, टोबगानिंग, स्नोबोर्डिंग और हेली स्कीइंग करने आते हैं। पांचवी डेस्टिनेशन है कुंभ मेला, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। याद ही होगा आपको, फेस्टिविटी वाले सेक्शन में बेस्ट एंड बेस्ट। 2017 में यूनेस्को की ओर से कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। ज्योतिष के हिसाब से 12 साल में प्रयागराज या हरिद्वार में बारी बारी से महाकुंभ होता है। 2019 में 15 जनवरी से प्रयागराज में अर्धकुंभ शुरू हुआ और शिवरात्रि यानी 4 मार्च को ये खत्म हुआ। कुंभ माने अद्भुत आयोजन, करोड़ों लोग जुटते हैं यहाँ। इसकी विशालता, इसका फैलावा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, आध्यात्मिक कैटेगरी में बेस्ट एंड बेस्ट। सिखों का सबसे पवित्र धर्मस्थल हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1581 में गुरु अर्जन देव ने शुरू किया था। इसे पूरा होने में 8 साल लग गए थे। स्वर्ण मंदिर को कुछ सोचकर अमृतसर शहर के लेवल से थोड़ा नीचे बनाया गया ताकि ऊपर से नीचे आने में लोग अपना अहंकार छोड़ कर आएं। 1830 में गुरुद्वारे के गर्भ में महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लगवाया था। अगला नंबर है श्रीनगर लेह वाली सड़क का। सड़क हो तो ऐसी हो वरना ना हो, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सड़क हो तो ऐसी ही हो। श्रीनगर से लेह तक जाने वाली 400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये सड़क पहले ड्राइविंग के लिए बहुत ख़राब हुआ करती थी, मगर अब BRO ने इस पर काफ़ी मेहनत खपाई की है। अपनी इतनी कोशिशों से सड़क बन गई है अच्छी वाली, जन्नाटेदार मज़ा आता है इस पर। इस सड़क की वजह से बॉर्डर के आसपास के इलाके पहुंच में आ गए हैं। जोजीला का रास्ता पहले बड़ा ख़तरनाक होता था लेकिन अब ये सीन बदल गया है। अगली डेस्टिनेशन है गिर नेशनल पार्क गुजरात, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में बेस्ट एंड बेस्ट। गिर फेमस है एशियाई शेरों के लिए। इसका इलाका 1153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ शेरों की गिनती है 500 से ज़्यादा और भी वाइल्ड लाइफ है यहाँ। इस पार्क में अक्टूबर से जून के बीच लायन सफारी भी होती है। फिर जब शेरों के प्यार करने का मौसम आता है ना तो पार्क को बंद कर दिया जाता है।
ताकि वो पूरा टाइम लेकर बेफिक्री से बच्चे पैदा करें, कोई डिस्टर्ब ना करें उनको। अगली डेस्टिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन पश्चिम बंगाल। कुदरत वाली कैटेगरी में बेस्ट एंड बेस्ट। कुदरत को सराहना है तो सुंदरबन पहुंच जाइए। पहली है ये जगह जहां भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां बंगाल के डेल्टा में बदल जाती हैं। वहीं फैला है सुंदरबन लगभग 10,000 किलोमीटर में। भारत में इसका 40% हिस्सा आता है। यहाँ पानी में रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले दोनों टाइप के जानवर मिलेंगे। इनमें 260 प्रकार के पक्षी और कई लुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियाँ शामिल हैं। सुंदरबन के दिल की धड़कन बाकी जानवरों से माफ़ी मांगते हुए हम बता देते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है। इस लिस्ट की सेकेंड लास्ट जगह है गोवा। सफ़र का लुत्फ लेना है तो बेस्ट एंड बेस्ट। एक तरफ कर्नाटक है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, और इन दोनों के बीच दिल लूटने वाला गोवा। गोवा में इंडिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तट है। इनको रखते भी जतन से हैं। गोवा के दो हिस्से, एक उत्तर दूसरा दक्षिण, दोनों में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात। गोवा उन लोगों के लिए है जिन्हें नेचर से प्यार है, जिन्हें खाने पीने का शौक है और जो बीच पर समय गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर, मसाले और काजू एस्टेट लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। आखिरी जगह है अरुणाचल प्रदेश। जो अवार्ड देगा उसकी भी तो मर्जी चलेगी ना, मतलब ये संपादक की चॉइस है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े इस राज्य में घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शानदार नदियां हैं। यहाँ मानसून झूम कर आता है जिससे नदियां भर जाती हैं और वो उस पानी को मैदानों में उलीच देती हैं। इन मैदानों के आसपास की ज़मीन बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। तब इसकी हरी भरी घाटियों में रहने वाले लोगों की भाषा और कल्चर की विविधता बाहर से आए लोगों को खुशी से चौंका देती है। यहाँ सफ़र करना पहले से थोड़ा आसान हुआ है, पर बहुत आसान अब भी नहीं हुआ है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और मज़ा आया कि नहीं तो प्लीज़ बताएं हमें कमेंट्स में लिखकर, जहां पर भी देख रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब। और अगर आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो सोचिए मत, एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप को, द ललन टॉप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।